आजम दोस्तों, अंडरवर्ल्ड के बीच की ये गैंग वॉर आपके सर में दर्द करने वाली है। वेल, ये मूवी एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री होने वाली है जो कि लगभग 2 घंटे की है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन मूवी रेट में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे उनकी परफॉर्मेंस से आप पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। हालांकि उन्होंने काम तो अच्छा किया है, लेकिन उस हद तक आपको मजा नहीं आने वाला। और अगर मैं बात करूं मूवी की कहानी की, तो मूवी की कहानी में आपको देखने को मिलेगा एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया का माफिया किंग होता है, जिसका नाम होता है नवाब खान। और नवाब खान का मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंदर काफी बड़ा नाम होता है। अब दोस्तों होता क्या है कि वो एक बीमारी से जूझ रहा होता है जिसका नाम होता है ब्लड कैंसर। अब जब उसको ये बीमारी हो जाती है तो वो कुछ ही दिनों का मेहमान होता है, यानी कि 10 से 15 दिन का। अब दोस्तों जिस कुर्सी पे वो बैठा है, अब उस कुर्सी पे अगला कौन बैठेगा और क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आएगी, किसके हत्थे वो कुर्सी लगने वाली है और कौन अंडरवर्ल्ड की दुनिया का नया बादशाह बनने वाला है, यही सब आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों देखो, कहानी के अंदर कुछ ज़्यादा नया तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है, आप सोच सकते हो कि भाई अगर कोई भी बड़ा नेता होता है, अगर वो मरने वाला होता है तो उसकी जगह किसी नए इंसान को चुना जाता है। सेम वही अंडरवर्ल्ड के अंदर भी दिखाया गया कि भाई अगर कोई बड़ा इंसान है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बादशाह है, अगर वो कुछ ही दिनों का मेहमान है तो उसकी जगह किसी नए इंसान को चुना जाता है। अब भाई ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया से रिलेटेड चीजें हैं, तो किसी को भी इतनी आसानी से वो कुर्सी नहीं मिल सकती। तो इसी के बीच होता है खून खराबा, यानी कि बहुत सी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा डर भी होता है कि भाई ये कुर्सी इसको ना मिल जाए, उसको ना मिल जाए, तो इसी बीच में उनको कोई मार भी रहा होता है। अब ये चीजें कौन कर रहा होता है, क्या क्या चीजें होती है, यही सारा सस्पेंस आपके अंदर थोड़ा थोड़ा रहेगा और आपको मूवी देखने में थोड़ा बहुत मजा भी आएगा। लेकिन उस हद तक मुझे ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, कई बार तो मैं बीच बीच में बोर भी हो रहा था। मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो मुझे इतना ज्यादा एंगेजिंग नहीं लगा। हाँ, कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस आपको थोड़ी बहुत ठीक लगेगी, आप जिम्मी शेरगिल की एक्टिंग से थोड़ा बहुत कनेक्ट हो जाओगे, और भी कई ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगेगी। ओवरऑल दोस्तों मैं यही कहूंगा, मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आया मूवी के अंदर। मुझे ये मूवी बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रही थी, सर का दर्द लग रही थी, तो इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आपका मन है ये मूवी फिर भी देखने का तो आप इस मूवी को देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 4 out of 10। और अगर आप ये मूवी देख लोगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।